अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, यहूदी ज़ायनिस्ट पूरी दुनिया पर अपना असर व रसूख कायम किए हुए हैं, ख्वा वो मुआशी मैदान हो या सियासी। हर प्लेटफॉर्म पर यहूदी ज़ायनिस्ट अपने कदम को जमा कर मुस्लिम उम्मा के खिलाफ अपनी नफरत को हवा देने में सरगर्म नजर आते हैं और कदीम वक्त से मुसलमानों के खिलाफ अपनी शैतानी चालों में लगे हैं। दोस्तों, यहूदी ज़ायनिस्ट इतनी चालाक और अय्यार कौम है कि ये लोग बज़ाहिर तो नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और कुरान के इनकारी हैं, लेकिन हकीकत में दुनिया में अगर किसी गैर मुस्लिम ने कुरान और हदीस पर तहकीक की है तो वो सबसे ज़्यादा यहूदी ही हैं, और अहदीस और कुरान की रिसर्च से ही वो अपने बचाव की तैयारी भी कर रहे हैं। जैसे कि एक हदीस में गरकत के दरख्त को यहूदियों का दरख्त कहा गया है, दुनिया आलम की आखिरी जंग में गरकत दरख्त ही वो वाहिद दरख्त होगा जो यहूदी की हिफाजत करेगा। और इसी हदीस मुबारक के पेश नज़र इसराइली हकूमत बेतहाशा तादाद में पूरे इसराइल के अंदर गरकत का दरख्त लगा रही है। गरकत का दरख्त कैसा होता है और ये यहूदियों को कैसे बचाएगा, और अब यहूदी ज़ायनिस्ट कैसे गरकत को पूरी दुनिया में प्लांट करने का मंसूबा बना रहे हैं, इसकी सारी हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता के मुसलमान यहूदियों से कत्ताल करेंगे। मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे। इस वक्त यहूदी पत्थर और दरख्त के पीछे छुपेगा तो वो पत्थर और दरख्त पुकार कर कहेगा कि ऐ मुसलमान, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ इसे कत्ल कर दो। अलबत्ता गरकत का दरख्त नहीं कहेगा क्योंकि वो यहूदियों के दरख्तों में से है। दोस्तों, इस हदीस मुबारक में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाजे कर दिया है कि गरकत दरख्त ही वो वाहिद दरख्त होगा जो यहूदी को बचाएगा। इसके अलावा उस वक्त में यहूदियों को किसी भी पत्थर, दरख्त, झाड़ी में पनाह नहीं मिल सकेगी। दोस्तों, गरकत एक घनी झाड़ी नुमा दरख्त है जो इतना घना होता है कि अगर कोई शख्स इसके अंदर घुस जाए तो वो आसानी से अपने आप को रुपोश कर सकता है। यहूदी लोग अपने सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान की ही किताब को अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाए हुए हैं और उस पर तहकीक करके अपनी हिफाजत का इंतजाम कर रहे हैं। पूरे इसराइल में इस दरख्त को तेज रफ्तारी से काश्त किया जा रहा है और गरकत की काश्त की मुहिम इसराइल ना सिर्फ रियासती बल्कि अब बैनुल अक्वामी सतह पर भी चला रहा है, और खुद इसराइली वज़ीर आज़म भी इस दरख्त को लगाता दिखाई देता है। और इसराइल ने एक अच्छे दोस्त के नाते इंडिया से भी कहा है कि वो अपनी बंजर जमीनों पर गरकत के दरख्तों को काश्त करे, जिसकी मुकम्मल फंडिंग इसराइल बर्दाश्त करेगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या तमाम यहूदी पागल हो चुके हैं? नहीं, ये पागल नहीं हुए। ये बहुत ज़हीन कौम है और ये लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी हदीस को हकीकत में सच मानते हैं और ये कदम उठा रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने इसका इनकार करते हैं। ये लोग माहौलियाती आलूदगी के नाम पर पूरी दुनिया के गरीब ममालिक में शजरकारी की मुहिम को फंड करके गरकत के दरख्त की काश्त को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। इसराइली हुकूमत साल में दो मरतबा शजरकारी के बहाने पूरे इसराइल में गरकत की शजरकारी करवाती है, और यहूदी ज़ायनिस्ट एक दूसरे को गरकत का पौधा तोहफे में देना भी बहुत मुकद्दस मानते हैं और इसको नेक शगुन मानते हैं, क्योंकि उनको कुरान करीम से ही इस बात का पता चल चुका है कि यही वो आखिरी सहारा है जो उनको बचाएगा, और इसीलिए इस दरख्त की शजरकारी करने को यहूदियों ने अपनी मजहबी रस्म भी बना डाली है। वैसे तो ये यहूदी कुरान और हदीस और नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर हैं, लेकिन हकीकत में इनको इस बात का इदराक है
कि कुरान अल्लाह की किताब है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी रसूल और उनकी कही एक एक बात सच है। लेकिन बनी इसराइल की फितरत और अना परस्ती इनको अपनी जिद पर अड़े रहने पर मजबूर कर देती है और हमेशा यहूदी अल्लाह के कहर का निशाना बने और वो वक्त दूर नहीं जब इनका अंजाम बुरा होने वाला है। लेकिन मौजूदा हालात में वो इस दुनिया में असर व रसूख रखते हैं और अल्लाह सुभाना व ताला ने उनकी रस्सी को ढीला किया हुआ है और मुसलमानों की तनजली भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही है और जब अल्लाह सुभाना व ताला चाहेंगे तो फिर मुसलमानों को ताकत और अरूजे कमाल अता करेंगे। लेकिन मुस्लिम उम्मा जब तक खुद होश के नाखून नहीं लेगी तब तक खुदा भी उनकी मदद नहीं करेगा। दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक जंग हुई जिसको हम गज़वाए खैबर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अल्लाह सुभान व तआला ने मुसलमानों को फतह दी और यहूदियों को बदतरीन शिकस्त हुई और हजरत अली करमला वजह को इसी मुनासबत से फातह खैबर भी कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक नौजवान यहूदी लड़का एक प्ले कार्ड उठाकर खड़ा है जिस पर लिखा है खैबर वाज योर लास्ट चांस। दोस्तों, ये लड़का उसी खैबर का जिक्र कर रहा है जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों ने यहूदियों से फतह किया था। लेकिन हैरान कुन और फिक्र कर देने वाली बात यह है कि इस वाक्य को तकरीबन 1500 साल गुजर चुके हैं लेकिन यहूदी उस खैबर की हार को अभी तक अपनी नस्लों में मुंतकिल कर रहे हैं ताकि मुसलमानों से खैबर की उस भयानक हार का बदला लिया जा सके। इस प्ले कार्ड पर लिखे गए अल्फाज का मतलब है कि खैबर तुम्हारी आखिरी जीत थी, अब हम तुम मुसलमानों को कभी जीतने नहीं देंगे। और हकीकत की तरफ पलटे तो ये बात दुरुस्त भी है कि ये लोग अब इतने ताकतवर हो चुके हैं कि मुसलमान फिल वक्त इनके आगे कमजोर और बेबस नजर आ रहे हैं और यूएई जैसे ममालिक यहूदी लॉबी के आगे घुटने टेक कर इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। अल्लाह सुभान व ताला मुस्लिम उम्मा की हिफाजत फरमाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।